अब स्टार्ट करते हैं लोग इंटीग्रेशन के कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन में हम लोगों ने बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। क्या क्या क्लियर किया था? एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्क्वायर रूट बना करके हम लोग सॉल्व करते, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना करके देन फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करते, ठीक। एक क्या करते थे, एक तो पार्शियल फ्रैक्शन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर करके हम लोग सॉल्व करते थे। फिर न्यूमिनेटर में देखिएगा कुछ ऐसे आता था ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर इसको भी हम लोग कुछ लेट कर करके सॉल्व करते थे। ये सब डिटेल्स में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत बात किया, ठीक है। जैसे कि पता है हम लोगों की जो जे मेन्स का स्टैंडर्ड है इस साल थोड़ा जो कट ऑफ है थोड़ा हाई होने वाला है, तो हम लोग को थोड़ा हार्डवर्क की ज़्यादा यहाँ पर नीड है। जितना ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे एट दिस टाइम उतना ज्यादा हम लोग के अंदर परफेक्शन आता चला जाएगा, उतना हम लोग की रैंक आने की चांसेस हो जाएंगे, अच्छा रैंक आ जाएगा। तो क्यों ना हम लोग 65 डेज अपने आप को झोंक दें, 100% रैंक अच्छी आ जाएगी, कॉलेज अच्छा मिलेगा, फिर लाइफ एंजॉय करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट भी करेंगे, कल से ही स्टार्ट करेंगे क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में टारगेट होगा कि विद इन 50 डेज के अंदर पूरी मैथ कंप्लीट हो जाए। फिजिक्स की भी टारगेट करेंगे कि 60-65 डेज में ही फिजिक्स का एक बार ओवर व्यू हम लोग देख लें। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसकी ज़्यादा रेस लगी हुई है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन पे हम लोग कुछ अच्छे से एग्जांपल प्रीवियस जेई मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं, जेई मेंस एडवांस, उन सब क्वेश्चन को हम लोग इंक्लूड कर करके डिस्कस करेंगे सबके साथ मिलकर, ठीक है बेटा। तो चलिए देखिएगा एग्जांपल्स क्या अपने पास। जैसे लिखा है इंटीग्रेशन cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos 2x प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिएगा इधर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिएगा cos 2x, cos 2x क्या लिखते हैं हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और माइनस की क्या लिखा 1 डिवाइडेड बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये 1 कैंसिल हो गया, जब ओपन करेंगे हम लोग ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अपने पास आया माइनस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x। अब tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम लोग को मालूम ही नहीं, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता अभी ऐसा कोई आइडिया हम लोगों ने सीखा ही नहीं। बस नेक्स्ट लेक्चर में ही बात करेंगे हायर ऑर्डर वाले इंटीग्रेशन कैसे किए जाते हैं, ठीक। तो tan स्क्वायर को हम लोग कर सकते हैं क्योंकि आपको पता होता बेटा कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बोले कितना होगा 1 होगा, क्लियर। तो इसको क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए माइनस इंटीग्रेशन इसकी जगह पे लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस के 1 इंटू dx, ठीक है। माइनस sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो हम लिखेंगे tan x इसका हो जाएगा माइनस x और प्लस के c। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस tan x प्लस के c, ये रहा आपका आंसर, दिस इज राइट आंसर, ओके। तो देखिए यहाँ पे कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं लिया, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए 2-4 क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया कि फ्लुएंसी बना रहे प्रॉपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको अच्छे से नोट करो। सेकेंड देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, सेकेंड क्वेश्चन देखिए बेटा, सेकेंड क्वेश्चन लिखा है e की पावर 3 log x बेस सी, फिर ब्रेकर भी ये लिखा। तो इसको देखिएगा बेटा, अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं, आपको ये देखिए थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ log की प्रॉपर्टी। अगर e के पावर log सपोज करो x बेस सी, अगर ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो ये हो जाता है ओनली ये वैल्यू x ही हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ऐसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखो ये और ये क्या है सेम है, ये और ये दो के दोनों क्या है सेम है। अब ऐसे भी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखो पहले ऐसे हम लोग लिख सकते हैं e के पावर log, ये जो 3 है तो x क्यूब लिख सकते लोग x क्यूब e, ऐसे e पावर में इंटू x के पावर 4 प्लस के 1 इंटू डी एक्स और ये माइनस 1 पावर। तो देखिए ये और ये सेम है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ओनली वैल्यू बचेगा यानी बचेगा सिर्फ x क्यूब इंटू
इसको डिनोमिनेटर में कर लो ना, एक्स के पावर 4 1 इंटू डी एक्स, लेट एक्स के पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू टी, तो 4 एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 4 डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी के पावर ओनली टी होगा, ठीक है, क्योंकि एक हम लोगों ने मान लिया टी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 लॉग टी। अब पुट कर लो यहाँ पे, तो 1 अपॉन 4 लॉग लॉग टी के प्लेस पे पुट कर लेंगे हम एक्स के पावर 4 प्लस 1 और प्लस के सी, ये रहा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब तो इजी थे, इनको देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे है। देखिए लिखा है e के पावर 2x फिर 2 sin 3x plus 3 cos x, ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा हम लोगों ने लिखा e के पावर 2x फिर ब्रेकर में लिखा है 2 sin 3x plus के 3 cos 3x into dx, ठीक है, आई लिख लो इसको, तो आई इक्वल टू, देखिए अलग अलग कर लो, तो 2x into यहाँ पे 2 लिख लो, 2 साइन 3x प्लस के e के पावर 2x या 3 लिख लो cos 3x इंटू डी एक्स, यहाँ भी dx लिखेंगे, ठीक है, इसको आइजिक ऐसे रहने देते हैं, इसको चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए अगर इसको हम कंसीडर कर ले फर्स्ट और इसको कर ले सेकेंड, देखिए 2 साइन 2 को बाहर कर लो इसे, 2 साइन 3x हमने लिखा साइन 3x, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक, माइनस क्या लिखेंगे माइनस, देखिएगा होल इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन, तो कॉस का क्या होगा कॉस 3x, यहां भी कितना आ जाएगा 3 इंटू इंटीग्रेशन, फिर इसका देखो इसका करेंगे तो e के पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 और प्लस के लिख लेंगे 3 e के पावर 2x cos 3x, ये वाला इसको ऐसे यहाँ कॉपी करेंगे। देखिए हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ इस ब्रेकर को ओपन किया, ओपन करके इस पार्ट को हम लोग इंटीग्रेट कर लिए फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा करके, क्या किया इसको फर्स्ट माना, इसको सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा करके ये यहाँ तक सिंप्लीफाई किया, देन इसको कॉपी कर लिया। फिर देखो जब इसको ओपन करोगे ब्रेकर तो आ जाएगा e के पावर 2x, 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा साइन 3x, ठीक है, देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 फिर यहाँ पे भी होगा क्या होगा 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा इंटीग्रेशन 3 e के पावर 2x cos 3x और प्लस की ये लिखा 3 e के पावर 2x cos 3x, देखो ये प्लस के ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा तो जो फाइनल रिजल्ट है e के पावर 2x sin 3x और प्लस की c, ये रहा आंसर। अच्छा लगा ना, अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार, सिर्फ करना हम लोग को प्रैक्टिस करना है, तो मैं एक छोटा सा आपको डेमो दिखाया कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, ऐसे प्रैक्टिस करना, जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे आप टारगेट बना लो यार इंटीग्रेशन, मुझे पूरी यूनिट को मुझे 3 दिन के अंदर इंटीग्रेशन को करना है, ठीक है, तो आप टारगेट बना के अगर कोई वर्क करते हैं तो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट करो, इसको देखिए बेटा, आई एम श्योर कि अगर आप विद ऑनेस्टी अगर वर्क कर रहे हैं, जेई मेंस की पूरी फोकस कर ले, डिटरमाइन कर ले मुझे जेई मेंस क्लियर करना, क्रैक करना, तो जो आप टाइम बचा पबजी खेलने का नहीं, क्रिकेट खेलने का नहीं, यूट्यूब पे मूवीज गाने सुनने का टाइम नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल चैनल देखने का ही टाइम, बहुत सारे ऐसे अच्छे एजुकेटर्स हैं, जैसे अनएकेडमी पे चले जाइए, बहुत अच्छे अच्छे सर हैं जो आपको डीप एंड डिटेल्स में प्रिपरेशन कराते हैं, आप चले जाइए अलग सर के चैनल पे, वो भी फिजिक्स आपको देखिए कितना डीप एंड डिटेल्स में, आपको बोरियत भी नहीं फील होगा, आप अच्छे से समझाते हैं, तो देखिए बहुत सारे एजुकेटर जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे गोल्डन चांस को मत जाने दीजिए, लाइफ में दोबारा ये टाइम नहीं आएगा, ठीक है, टाइम इलेप्सिस वंस अगेन इलेप्सिस फॉर एवर, ठीक है बेटा, तो अभी जो होता है उसको आप बाकायदा इस्तेमाल करो, अपने टारगेट को माइंड में सेट करके वर्क करो,
जो भी डिफिकल्टीज आती हैं आप मुझसे भी डिस्कस करिए, एंड और भी बहुत सारे सर हैं, बहुत अच्छे अच्छे सर हैं, उनसे भी डिस्कस करिए, टाइम टेबल बनाइए। आप, मैं बात करने ही वाला हूँ टाइम टेबल, आप कैसे टिप्स बताएंगे कैसे स्टडी करें कि विद इन 60 डेज के अंदर जेई मेंस में 200+ मार्क्स कैसे गेन करें। ये सब सारे तरीके बता देंगे हम लोग, जो आप अप्लाई करके इजीली आप गेन कर सकते हो 250, राइट। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ, कॉज क्या लिखा, ये इतना, ठीक है। तो देखो मैं लिखा इंटीग्रेशन, आई लिखा कॉज लॉग एक्स, ये एंगल में, ठीक है। और यहाँ पे हमने 1 कंसीडर कर लिया इंटू डी एक्स, ऐसे हम लोग कंसीडर करते हैं, जब कुछ नहीं दिया होता तो 1 मान लेते हैं, 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो देखो इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इंटू इसको सेकेंड, ठीक है। तो लिखते हैं फर्स्ट, तो देखो कॉस लॉग एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखा कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, तो लिखा माइनस माइनस साइन लॉग एक्स, फिर लॉग लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x, ये लिखा इंटू एक्स, 1 का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स। ये बात आपको समझ में आया होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मैंने फार्मूले बताए थे कि फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का क्या होता है। तो इंटीग्रेशन करने का रूल मैंने बताया था पिछले वाले लेक्चर में, आप उसको जाके देख लीजिएगा। तो देखिएगा इसको हमने ऐसे सॉल्व किया, तो देखिए फर्दर सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग एक्स बेस ई, ठीक, ये लिखा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्स एंड एक्स कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन लॉग एक्स बेस ई इंटू डी एक्स। फिर देखिएगा फिर यहाँ पे हम लोग वही बात करेंगे, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट, और इसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे जो 1 है 1 को सेकेंड मान लेते हैं इंटू डी एक्स, इसको एज इट कॉपी करते हैं, इधर देखिए आई इक्वल टू लिखा हुआ, तो एक्स कॉस लॉग एक्स बेस ई, ठीक है, प्लस देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ साइन लॉग एक्स इंटू सेकेंड, सेकेंड 1 का कितना हो जाएगा एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका क्या करोगे डिफरेंशिएट, तो साइन का क्या लिखेंगे कॉस एक्स, यानी कॉस लॉग एक्स, और फिर लॉग का एक्स का क्या हो जाएगा 1/x इंटू 1 का कितना एक्स इंटू डी एक्स, तो एक्स एंड एक्स क्या हो जाएगा अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग एक्स कॉमन भी ले लेते हैं तो एक्स कॉमन लेते ही आपको मिल जाएगा साइन लॉग एक्स और प्लस के कॉस लॉग एक्स, ठीक है, माइनस ये देखिएगा अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये तो आपको मिल रहा होगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस लॉग एक्स बेस ई इंटू डी एक्स, ये देखिए जो फंक्शन पहले गिवन था यानी वही तो फिर मिला फर्दर सिंपली कर, यानी ये तो आई ही है इंटीग्रेशन, क्या है आई है, इस आई देखिए माइनस आई है और प्लस आई, तो इधर जैसे हम लाएंगे तो हो जाएगा 2i, तो 2i इक्वल टू एक्स साइन लॉग एक्स बेस ई प्लस के कॉस लॉग एक्स बेस ई, ठीक है। देन आई इक्वल टू देखो आई इक्वल टू जो रिजल्ट आ गया 1/2 इंटू एक्स, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा साइन लॉग एक्स प्लस के कॉस लॉग एक्स बेस, ये रहा आपका इम्पोर्टेंट सा रीजन। तो चलिए फिर बात करेंगे हम लोग पिछले नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन के कुछ और स्टैंडर्ड रिजल्ट की बात करेंगे, एंड और ज़्यादा जो आईआईटी के जेएमएस में आए हुए क्वेश्चन उसकी बात करेंगे, एंड कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे। अभी तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रैश कोर्स जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, मेरा टारगेट ये है कि जो मैथ्स के हैं जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबके जेई मेंस के आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन उनके कॉन्सेप्ट फुल डीप एंड डिटेल्स में डिस्कस करें, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए